हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय रसायन शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री का, वो भी कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, जो आपके सितंबर में है, तो उसके लिए प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप लोग सामने मैंने पूरा सोल्यूशन बताया। पूरा प्रश्न पत्र है जो आपके प्रश्नों की संख्या जो 19 है, जितने भी विकल्प से लेकर आपके पूरे प्रश्न उत्तर मैंने कंप्लीट बताए हैं, ताकि आपको जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से पेपर आएगा जो देख सकते हो। तो सब प्रथम आप लोग सामने यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे, निर्देशों को आप पढ़ कर पूरा अपना पेपर कर लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सब प्रथम हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर रहेंगे आप लोग सामने क्या सही विकल्प, क्या रहेंगे स्टूडेंट सही विकल्प। जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके 7 नंबर रहेंगे, वो प्रत्येक सही विकल्प आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक, पहला लिखा आप लोग सामने डी ब्रोगली समीकरण है। जो डी ब्रोगली समीकरण है, तो इसमें क्या है डी ब्रोगली समीकरण, तो इसमें आपको हो जाएगा एच बराबर फाइव बराबर एच बटे एम सी पर आपके आपका ये खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, अच्छू, तो आपका ये इस पर खा ऑप्शन सही हुआ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है दूसरा वाला, जिसमें लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने बराग है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, तो उसमें कितने बराग हैं, तो 18 है, यानी कि आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट सामने तीसरे में लगा है प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। जो प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा आपका सूर्य, यानी कि खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने चौथा वाला, जिसमें लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी में है, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग, तो इसमें हो जाएगा आपका आधुनिक आवर्त सारणी O2, मतलब कि खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा लिखा है जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। जो जल का सबसे अधिक घनत्व क्या होता है, तो इसमें लिखोगे आप लोग एक बीच में हो जाएगा जल घनत्व हो जाएगा खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4 सेल्सियस सी पर, यानी खा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 यहाँ पर सही विकल्प कम्प्लीट हो गए 5 नंबर के। चलिए हम लोग देखते हैं छठवां वाला। छठवें में लिखा है ऑक्सीकारक पदार्थ है। जो ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो इसमें क्या है, तो इसमें हो जाएगा खा ऑप्शन सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन दाता, यानी खा ऑप्शन आपका सही है। छठ में क्या सातवां, एथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। जो एथाइल एल्कोहल होता है, उसका IUPAC नाम क्या है, जिसमें हो जाएगा आपका एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल, यानी घाघड़ी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प 7 नंबर कम्प्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट है आप लोग सामने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, आप लोग सामने भर के दिखाऊंगा बाकायदा, ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। बस इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है, एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ लिखना होगा। ठीक है, चीज लिख करके आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट देखेगी स्टडी नोट्स पीडीएफ .com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको देखिएगा यहाँ पे हरे कलर से जो है एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना, कि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा कक्षा 9वीं हिंदी, यहाँ पे सेट भी मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए सेट बी सेट सी सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना, जो कि महत्वपूर्ण बात यहाँ दी गई है। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डाला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पर दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन का, यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लिखा आप लोग सामने बोर मंडल की विफलता का कारण क्या है। जो बोर मंडल की विफलता का कारण क्या है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे पहले बारे में आप लोग लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे नाभिक। ठीक, नाभिक भर देंगे। ठीक, दूसरा लिखा आप लोग सामने दूसरा वाला, तत्वों के गुणों के क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आप लोगों को आवर्तता, क्या आवर्तता। ठीक, ए लिख दूंगे। तीसरा लिखा है जल अणु में संकरण होता है। जो तीसरा है जल अणु में संकरण होता है, तो कैसा होता है, तो आप लोगों को SP3 संकरण। ठीक, इस प्रकार से चौथा लिखा हाइड्रोलिथ का सूत्र है। जो हाइड्रोलिथ का सूत्र क्या है, तो चौथे में लिखोगे आप लोग, चौथे वाले में कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड, इस प्रकार से हो जाएगा चौथे वाले में। पांचवा वाला देखते हैं लोग, पांच वाला क्वेश्चन। तो पांच में लिखा पराबैंगनी प्रकाश के लिए उत्तरदायी है, तो क्या है, तो इसमें हो जाएगा पांचवे वाले में लिखोगे वर्णक्रम। ठीक, छठवा लिखा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अभिक्रिया कहलाती है,
तलु अपचयन, ठीक, क्या कहला दिया, अपचयन। चलिए अगला देखते हैं सातवां, जिसमें इलेक्ट्रॉन योगिन प्रदान करने वाली अभिकर्मक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं सातवां लोग, आप लोग क्या कहला है, लुईस चार, क्या लुईस चार, ठीक चार। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग सामने मैंने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट करवा दी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टू, नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर कंप्लीट कीजिए, तो इनको मैं एक शब्द एक वाक्य उत्तर कंप्लीट करेंगे। चलिए यहीं पर लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को इस प्रकार से, ताकि आप लोग प्रॉब्लम लोग आप लोग चेक कर प्राप्त कर सकें। तो पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण क्या है, तो लिखोगे डी ब्रोगली समीकरण की यहाँ पर, तो लिखोगे फाइ बराबर एच बटे एम सी, वही वाला सूत्र लिख देना जो अपना सही विकल्प में था। दूसरा लगा सिंक क्या है, तो दूसरा लिखोगे आप लोग रिफेस, यानी कि रिफेस होता है सिंक, ठीक रिफेस। तीसरा लिखा है, तीसरा वाला उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो क्या होती है, तो शून्य होती है, कैसी होती है, शून्य, ठीक। चौथा एस एस अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, तो सिग्मा बंध बनता है, यानी चौथे वाले सिग्मा बंध, कौन सा सिग्मा बंध, ठीक सिग्मा बंध बनता है। पहले पांचवा जिसमें लिखा है एस सी आई ओ फोर में सी आई की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, तो प्लस की सात होती है, कितनी होती है, प्लस की सात, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पांच एक शब्द वाक्य आंसर हमने कंप्लीट करवा दिए। चलिए इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, हाँ तो इसके आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भारी जल का सूत्र लिख, जो भारी जल होता है तो उसका सूत्र लिखना है, तो क्या होता है, तो छठे वाले पे लिखोगे आप लोग भारी जल का सूत्र होता है डी टू ओ, ठीक। और सातवें वाले में क्रियात्मक समूह की दो धार लिखना है, तो इसमें लिखोगे आप सातवें का हो जाएगा, सातवें वाले में दो दो हो जाएंगे एल्को एल्कोहलिक, ठीक। और एक होता है आपका एल डी हाइड्रिक, ठीक एल डी हाइड्रिक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये दो आपके समूह के दो उदाहरण हो जाते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग सात ही सात नंबर के आप कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियाँ, सही जुड़ियाँ मिलाने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इसलिए आप लोग से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट यही फायदा होगा कि जो अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, फिर आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, ठीक। तो इन सभी परीक्षाओं की इसी प्रकार से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र लाता रहूँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त कर सकें, आप लोग अच्छी परीक्षा में पास हो सकें, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हमने नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियाँ, तो इन सही जुड़ियों को भी हम इस करके दिखाएंगे बाकायदा आप लोगों सामने, ताकि आप लोग अच्छी तरह से इनको कर सकें, वो आपको भी पता लग सके कि हम पे कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं सही जुड़ियों, तो पहला लगा पावलिंग, ठीक। तो पावलिंग आप लोग मिलाओगे इसे इलेक्ट्रॉन की हानि, मतलब ये डी वाले से मिलाओगे, कैसे, इस वाले इलेक्ट्रॉन की हानि से, ठीक पावलिंग। दूसरा लगा आप लोग हमने सी जी एम, क्या लगा सी जी एम, तो सी जी एम के मिलाओगे धातु से, मतलब कि एफ वाले से, ठीक। फिर हमने तीसरा पाइबन एल पाइबन, हाँ तो इसमें हो जाए तीसरे वाले का मिलाओगे आप लोग, तीसरे मिलाओगे सी एफ सी से, मतलब कि आप लोग मिलाओगे ए वाले से, इस वाले ऑप्शन, ठीक। अगला लिखा आप लोग सामने चौथा, जिसमें लगा ओजोन छिद, तो ओजोन छिद किसी का मिल, सब लोग सभी लोग जानते हैं ओजोन होता है वो ऊर्जा स्तर, मतलब कि ये आपका सी वाला हो जाएगा, चौथे में हम लिखोगे सी वाला, इस वाले में ए वाला, ठीक। ऑक्सीजन मतलब पांचवें वाला ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में लाओगे पांचवें वाला है ना, हाँ चौथा है, एक मिनट इसलिए थोड़ा गलती हो गया, चौथा अपना सी एफ सी हो जाता है, ठीक। तीसरे वाले में लाने दे आपको, तीसरे में लाने दे आपको इस वाले में, तीसरे वाला हो जाएगा जी ए, इसमें मिला देता मैं देखो, तीसरे का मिलाना था इस वाले से, ठीक। ओजोन छिद का मिलाना था इससे, ठीक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मिलाना था आपको पाँच वाला, उच्च ऊर्जा उप ऊर्जा स्तर, इस प्रकार से, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग आयनिक हाइड्रेट, तो इसका मिला हुआ जो छठवा वाला है, इसका मिला हुआ इस वाले से, और सात महारों को कार्बन का मिला हुआ कैसे, इस विधि संग्रहण से। पावली का आप मिला लोगे, पावली का मिलाना आपको इलेक्ट्रॉन की हानि, और सी जी एम को मिलाओगे धातु से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने सही जुड़ियाँ कमले मिलवा दी हैं, ठीक स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग सामने सही जुड़ी अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। चलिए बट हम लोग नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन जिसमें लगा है कार फलन से किसे कहते हैं, या दहली आवृत्ति क्या है, तो इनको आप लोग दो में से अथवा वाला भी कर सकते हैं, प्रश्न वाला भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग सामने यहाँ पर प्रश्न भी लेके आया हूँ, ताकि आप लोग किसी प्रॉब्लम हो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।
चले तो हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 में गाथवा वाला, जिसका प्रश्न है आपके सामने देहली आवृत्ति क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ बना लिया है जो आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। तो यहाँ पर लिखा पीडीएफ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। हाँ, आप लोग हुए आवृत्ति वह निगम, जो फ्लैक्स की वजह सही नहीं दिख रहा, आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिस पर प्रकाश विद्युत ऊर्जा की प्रक्रिया होती है देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक, इसे हम भी एमएस से सूचित किया जाता है। धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे कि W बराबर आप लोग एक आप सूत्र रख लेंगे, इस प्रकार वीडियो ग्रुप का पूरा आप लोग समझ लेंगे और देख भी सकते हो। ठीक स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें लगा है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, अथवा में लगा है डेवू राइनर का त्रिक नियम क्या है। तो हम लोग 6 वाला देखते हैं। तो 6 का हम अथवा वाला देखेंगे, जिसमें लिखेंगे प्रश्न रहेगा आपके सामने डेवू राइनर का त्रिक नियम का। ठीक, तो ये रहा आप लोग सामने उत्तर इसका जुड़ा इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को रोकेंगे, पूरा इस वीडियो को अच्छी तरह से लिखेंगे समझेंगे। उत्तर लिखोगे डेवू राइनर त्रिक नियम, डेवू राइनर से है एक समान गुणों वाले को तीन तीन के समूह में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिन्हें डेवू राइनर त्रिक कहा जाता है। डेवू राइनर के अनुसार बीच के तत्वों को परमाणु भार से दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत है, इसे हम डेवू राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, बाकायदा समझेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग सामने आबंध कोटि को परिभाषित कीजिए। तो साथ में आबंध कोटि को परिभाषित कीजिए, अथवा लिखा दुई आगुण से आप क्या समझते हैं। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका हम अथवा वाला करेंगे दुई आगुण से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग सामने ये रहा, ये जिसको लोग आप लोग कि दो किसी किसी बंध का दुई गुण आगुण परमाणु का आवेश की मात्रा तथा उसके बीच की दूरी का गुणनफल के बराबर होता है, जैसे हम न्यू बराबर ई गुणा डी या न्यू बराबर दू गुणा गुण ए पूरा कमरे लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से वीडियो को रोकना अच्छी तरह से समझ लेना है। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 जिसमें लगा है विकरण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए या अपचयन को उदाहरण से समझाइए। तो 8 का हम लोग करेंगे पहला वाला जिसमें लगेंगे विकरण संबंध। ठीक, हाँ अपचयन, सॉरी हम अथवा वाला करेंगे अपचयन है। ठीक, ये वाला करेंगे अपचयन को उदाहरण से समझाइए। तो आप लोग हुए प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाला वह अभिक्रमक जो किसी पदार्थ का अपचयन करता है अर्थात उसके ऑक्सीकरण अंक में कमी करता है अपचयन कहलाता है, जैसे कि 2Na+Cl2+2NaCl में Na अपचायक है, Cl2 ऑक्सीकरण अंक में कमी करता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर कम्प्लीट हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आप लोग 9 जिसमें लगा है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है या उपचायक को उदाहरण से समझाइए। ठीक, 9 का अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो हम 9 का उत्तर करेंगे तो ऐसी अभिक्रियाँ जिसमें ऑक्सीजन वापचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग सामने यहाँ पर 10, हाँ 10 लिखा है क्रियात्मक समूह को समझाइए। किसको, क्रियात्मक समूह। 10 लिखा क्रियात्मक समूह समवयता किसे कहते हैं, सर समझाइए। तो 9, 10 का आंसर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जो उसके रासायनिक गुणों को दर्शाता है क्रियात्मक समूह कहलाता है, जैसे OH-CHOH आदि। इस प्रकार से प्रश्न 10 का आंसर भी कम्प्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न 11 जिसमें लगा है एल्काइन में श्रृंखला में स्थित समानता को ध्यान से समझाइए या क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। तो गामिक अथवा वाला करेंगे हम, जिसमें लिखेंगे उत्तर मिश्रण से रंगों के व्यक्तिकरण की विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 जिसमें ओजोन परिसरण के लिए उत्तरदायी गैसों का रसायन निगम जल में विलेय ऑक्सीजन से स्रोत। तो हम 12 का अथवा वाला करेंगे तो आप लोग ये लिखोगे जल में विलीन ऑक्सीजन के स्रोत प्रकाश संश्लेषण प्राकृतिक वातन यांत्रिक वातन। तो ये आप लोग 12 का उत्तर हो जाता अथवा वाला। अगला 13 जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण समझाइए ये आप लोग अथवा में इनकी ऑक्सीजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वाला लिखेंगे तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन्हें हम क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, तो सही हम ऑक्सीजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है 13 का। ठीक, इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे करके इसको पूरा कम्प्लीट इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, वो वीडियो को रुक कर पूरी तरह से समझना है,
वीडियो बिल्कुल फ्री है, आपको टेंशन नहीं है, पूरा कंप्लीट करना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14वां का उत्तर करेंगे हम। पहले ही बारा पेड़ में प्रवाह का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो तीन नंबर दिखेंगे, तीन नंबर लिखेंगे थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए आप इसको वीडियो को रोक कर पूरा समझेंगे, बाकायदा इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे करके लिखेंगे और पूरा पढ़ के ही जाएंगे। ठीक स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 15वां, जिसमें कार्मिक युग में अंतर लिखना है। ठीक, तो कार्मिक कार्मिक युग में अंतर लिखना है। तो प्रश्न संख्या 15वीं का आंसर आपको सामने ये रहा, आशा करता हूँ आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग वीडियो को क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिखना। ठीक, इस प्रकार से वीडियो को रोकेंगे, पूरा काम ले लिख लेंगे। ठीक, चलिए अगला दिखाया गया आप लोग सामने 16वां, जिसमें लगा क्या कारण है कि कारण बहुत अधिक संख्या में योगिक बनाता है। तो 16वीं का अथवा वाला करेंगे लेंगसेन वाला। ठीक, लेंगसेन सिद्धांत, इस सिद्धांत को समझाएंगे। तो इस सिद्धांत को हमने इस प्रकार से आप लोग सामने आप वीडियो को दे दिया है, तो इसको पूरा वीडियो को रोकना है, इसको पूरी तरह से लिख लेना, समझ लेना है। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न 17वां को देखने से पहले मैं आप लोगों के सामने बता दूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि जो PDF है, इस PDF को, इस प्रश्न पत्र को मैं आप लोग देने वाला हूँ थोड़ी देर में, इसलिए आप पूरा वीडियो कम्प्लीट जरूर देखें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, आप लोगों ने कर ही लिया, कुछ बच्चों रह गए तो जिन लोगों ने नहीं किया तो अच्छी बात है। तो हम 17वें का अथवा वाला करेंगे, जिसमें कक्षा का मंत्र स्पष्ट करना है। तो कक्षा और कक्षा का मंत्र आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, जो यहाँ पर लिखा है मैंने अपने हाथों से, तो आप लोग इसको पूरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ेंगे और बाकायदा लिखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा प्रकाश पुंज का प्रिज्म द्वारा अवयवी घटकों में पृथक किस प्रकार होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा लिखा है आपके सामने बोर की त्रिज्या की गणना कीजिए। फिर 19वां है आप लोग सामने युगों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की वेक्टर व्यवहारिक विधि, मेयर विधि और अनुनाद प्रभाव क्या है इसके उपयोग। तो इन सभी का जो आप लोग सामने इसका PDF में दिया गया पूरे क्वेश्चन इस PDF में, तो इस PDF को और इस प्रश्न पत्र को मैंने आप लोग सामने पूरा हल करके ही दिखा दिया है, और आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, और इसमें फिर भी किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझ में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।